हेलो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गियर शिफ्टर्स इंडिया। तो आज मैं आया हूँ KTM वाकड़ेवाड़ी शोरूम में। ऑब्वियसली KTM की न्यू बाइक लॉन्च हुई तो उसका रिव्यू करने के लिए आया हूँ। तो आपको पता ही होगा कि कौन सी लॉन्च हुई है और कौन सी होने वाली है, आपको पता ही होगा। एंड वो ऑलरेडी हो चुकी है 4th of June को, आज 6th of June है। और 4 तारीख को वो टाइम पे मैं एक्चुअली गोवा राइड के लिए गया हुआ था, मेरी फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड थी। और आगे भी पॉसिबल होगा तो उससे भी और लॉन्ग करेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कौन सी बाइक है। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अंदर चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये रही भाई 2022 की KTM RC 390, जिसका इंतज़ार सबको था और मुझे भी, कि ये पावरफुल जो छोटी सी ट्रैक मशीन बाइक है ये कब आएगी। और फाइनली लॉन्च हो गई है पुणे में 4th of June को और आज ये अपने पास है। तो ये जो है फैक्ट्री रेसिंग ब्लू कलर है, और जिसमें दूसरा कलर आरसी में आता है वो है KTM ऑरेंज। वो ब्लैक एंड ऑरेंज मैट है और ये ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। बस आपको यहाँ पर ग्लॉस आ जाता है टैंक में, ये देखिए प्लास्टिक का नहीं है। एंड बाकी आपको बाइक जो मिल जाती है पूरी मैट में मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन कलर है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। आपको ADV 390 में भी ये कलर देखने के लिए मिलता है, देखिए। और इसका एग्जॉस्ट मुझे सबसे बढ़िया लगा, यहाँ पे KTM लिखा हुआ और यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे ऐसा नेट टाइप दे दिया है। मतलब कैसा है कि कुछ हो सकता है अभी लुक के हिसाब से दिया हो या कि अंदर कोई चीज़ ना आ जाए तो दिया हो, जो भी सोच के दिया है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हो इसका लुक। तो अभी ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं बाइक की। तो टायर सेक्शन का जो साइज़ है वो आपको 17 इंचेस मिलेगा फ्रंट एंड रियर में। मैक्सलर के आपको टायर्स मिलेंगे इसके अंदर। फ्रंट का जो टायर साइज़ है वो है 110/70/17 एंड रियर का जो है 150/60/17। और एलॉय व्हील्स का जो उन्होंने ज़्यादा दिए हुए थे एलॉयज, तो वो कम कर दिए हैं वेट रिडक्शन के लिए। और फ्रंट में बात करेंगे, आपको इतना बड़ा वाइजर मिल जाता है, एक मतलब आप जब बैठते हो ना आपको सुपर बाइक जैसा थोड़ा फील आता है, कि मतलब काफ़ी सुपर बाइक तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी ह्यूज बाइक लगती है आपको बैठने के बाद। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको DRS मिल जाएगा, इंडिकेटर्स मिल जाएगा फ्रंट में, नहीं तो पहले वाले मॉडल्स में आपको मिरर्स में आता था। और ये जो मिरर्स जो है ये देखिए फोल्डेबल है, दूसरे RC के जो आपको सिर्फ इस तरह फोल्ड हो जाते हैं जो BS3 BS4 मॉडल्स में आते थे, तो ये पूरी तरह ये देखिए यहाँ पे फोल्ड हो जाता है। ये RC 200 का आपने देखा होगा, तो एज इट इज़ वो सेम ही है। तो इसमें कुछ मोड्स ऐड किए हैं जो कि आपको RC 200 में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है इसका बैज RC 390, ये मैट में आ जाता है, ये ग्लॉस में आ जाता है। यहाँ पे आपको देखिए 3D स्टिकर मिल जाता है यहाँ पे KTM का। यहाँ पे सीट कुशन देखिए सॉफ्ट है, जो RC 200 में दिया था वो सेम टू सेम मिला है। रियर में टेल में आपको यहाँ पे गैबल आ जाता है, बट जब ये निकाल देंगे, अगर निकाल देंगे गैबल निकाल देंगे, बाइक का लुक और भारी आएगा। और जो खरीदेगा वो उसको निकालेगा टेल टाइडी, उसका चेंज करते हैं। देन आपको LED इंडिकेटर्स फ्रंट एंड रियर में मिल जाता है और ये कुछ अलग है। और चासी की बात करें तो चासी जो है इसकी आपको स्प्लिट में मिलेगी। मतलब मान लीजिए क्रैश हो जाता है, पहले क्या होता था RC क्रैश हो जाती थी तो पूरा एक वन पीस में चासी आती है, कहीं भी बेंड हो जाए तो आपको पूरा चासी नया लेना पड़ता है। तो अभी क्या है कि क्रैश हो गया मान लो, तो दोनों में से कोई भी एक, मतलब डैमेज होने की ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा क्रैश होगा तो कि दोनों ही डैमेज होगा, हो सकता है पीछे वाला हो जाए आगे वाला हो जाए, तो खर्चा जो है कम पड़ेगा। तो ड्यूक में तो पहले से ड्यूल चासी आता था, स्प्लिट बोल सकते हैं। फेयरिंग साइड में जो है मतलब काफ़ी कम कर दिया है, पहले से थोड़ा छोटा कर दिया है। पहले RC में जो बेली पूरा भर के आता था वो कम कर दिया है, तो इससे थोड़ा नीचे जो इसका जो हाइट है आपको वो ज़्यादा लगता है देख के, तो नीचे पत्थर वगैरह में स्पीड ब्रेकर जो ऊँचे होते हैं वहाँ लगने के चांसेस काफ़ी कम है। तो चासिस में भी आपको यहाँ पे 2 कलर देखने के लिए मिलेंगे, फ्रंट में ब्लैक एंड पीछे ऑरेंज, और ये भी मैट जैसे ही लग रहा है मुझे, ग्लॉसी नहीं है। ये है पूरा लुक बाइक का, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मुझे पता है कि बहुत लोग बोलने वाले हैं कि ये लुक अच्छा नहीं है, आई नो पहले वाला लुक ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये भी अच्छा है। और अभी जैसे मार्केट में और कोई बाइक वो मॉडल आने से रहा, और ये बाइक आपको पसंद मतलब करनी पड़ेगी, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन यू हैव टू बाय इट। अगर आपको 390 CC
कि KTM की बाइक लेनी है। अगर इंजन की बात करें, आपको इसमें मिलता है 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। सो RC390 में आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, देन उसके बाद आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है, वो भी एज स्टैंडर्ड वो आपको मिलना ही है, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। देन लीन एंगल सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, मतलब इस तरह से बनाया गया कॉर्नरिंग करने के लिए, थोड़ा आपको मस्त बढ़िया रहेगा। और TFT कलर डिस्प्ले है आपको इसमें मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा TFT है, इसका व्यू जो है काफ़ी अच्छा है, डे में भी और नाइट में भी वो बहुत सही है। आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें आपको नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगा मैसेजेस एंड कॉल्स का। और आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, तो फ्रंट में आपको 320mm एंड रियर में 280mm का आपको डिस्क मिल जाता है, एंड एडिशनल फंक्शन है जो इसमें कॉर्नरिंग ABS। एंड फ्रंट में आपको यहाँ पे WPFX के USD फोक्स मिल जाते हैं, एंड रियर में आपको यहाँ पे मोनोशॉक मिल जाता है। एंड फ्यूल टैंक की बात करें तो इसका 13.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आपको ज़्यादा फ्यूल स्टॉप नहीं लेना पड़ेगा, जैसे मेरी RC जो BS3 है वो सिर्फ 9.5 लीटर्स है, और 13.7 मेक अ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। और आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर स्लीपर क्लच भी मिलता है, और इसका जो हैंडल बार जो है ये 2 स्टेप्स एडजस्टेबल है, चाहो तो आप इसको एडजस्ट करके 2 स्टेप्स ऊपर ले सकते हो या तो नीचे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग पोस्चर, आपको जो सही लगे उस हिसाब से। तो हेडलैम्प्स आपको मैं फ्रंट में है बता चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये आपको DRLs आ गए साइड में, मैं आपको इंडिकेटर्स भी एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, और रियर में भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहे वो वाले डिफरेंट है, ये तो पहले से जो RC में आते हैं, ड्यूक में आते हैं, वो रियर में सेम टू सेम है। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया हुआ है टेल लैंप में, आपको इसमें सारी गार्ड मिल जाता है, रियर टायर हगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, तब पिलिंग के लिए बैठने के लिए, तो ये भी उसी तरह से सॉफ्ट है, बट डर काफ़ी लगता है मुझे तो यहाँ बैठने के लिए पीछे, मेरी बाइक पे कभी नहीं बैठता, मैंने सीट कवर लगा दिया है उसको। सीट थोड़ा चौड़ा भी है काफ़ी, और कम्फर्ट है, और जब मार्केट में आएगी मतलब राइड करेंगे ज़्यादा तो पता चलेगा कि इस पर कुछ और लगाने की ज़रूरत है या दिस इज़ एनफ। और इस बाइक की कर्व वेट की बात करें तो वो है 172 kg। राइड करोगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इतना वेट है इस बाइक का, क्योंकि पावर KTM की बाइक्स का ऐसा है कि आपको वेट कम एंड पावर ज़्यादा। और माइलेज की बात करें कुछ अप्रॉक्स आपको 28 मिल सकता है, वो भी सही चलाएंगे तो। मेरी BS3 है, मैं बताऊं को मुझे 27 का एवरेज मिलता है अभी भी। एक अच्छा है कि आप मतलब ज़्यादा अगर स्लो चलाओगे तो आपको ऑब्वियसली 30+ मिल सकता है। कलर्स मैंने जैसे बताया आपको, इसमें आपको दो ही कलर्स मिलेंगे, ये जो कलर है KTM फैक्ट्री रेसिंग ब्लू, एंड डिस्प्ले के लिए ऊपर है दूसरा और एक कलर है, वो है ऑरेंज, तो उसको ऑरेंज ही बोलते हैं, KTM ऑरेंज, बट वो ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन दिया है, वो भी काफ़ी बेहतरीन कलर है, वो आपने देख ही लिया होगा। पहले RC390 में जो एग्जॉस्ट आया था वो काफ़ी थोड़ा लंबा सा था, बट ये एग्जॉस्ट ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे KTM का उन्होंने ब्रांडिंग दिया हुआ है एग्जॉस्ट के ऊपर, तो अच्छा है, मतलब आफ्टर मार्केट तो नहीं लगेगा वो। तो यहाँ पे ये जो जाली दे दिया है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत से एग्जॉस्ट में मैं देख चुका हूँ और उन्होंने यहाँ पे किया है, बहुत अच्छा है। तो पहले वाली RC में जो बाइक की बैटरी थी वो यहाँ पे फ्रंट में आती थी और वो पूरा फाइबर का था, बट यहाँ पे आपको देखिए ये फाइबर नहीं है, यहाँ पे फाइबर है, और इसकी बैटरी जो इन्होंने उसकी जगह पे इधर शिफ्ट कर दी है, तो हो सकता है आपको शायद ये पूरा खोलना पड़ता होगा। उसका कैसा था पुरानी वाली RC का, जस्ट वहाँ से खींच के निकालो, यहाँ का लॉक निकल जाता था, तो बैटरी रिप्लेस करना थोड़ा ईजी था। तो इसका मुझे पता नहीं, एक बार यहाँ की लगा के देखते हैं ये सीट कैसे ओपन होती है। ओके, तो देखिए ये सीट खुलती है, तो बस यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे स्क्रूज आपको ओपन करना होगा दोनों साइड से, तब जाके आप बैटरी निकाल सकते हो, मतलब चलो अच्छी बात है, वैसे थोड़ा सेफ्टी साइड से देखा जाए तो अच्छी बात है। ये लो जी लग गई,
और ये हैंडल बार ऐसा यहाँ से ना थोड़ा पतला सा ऐसा लगता कि मुझे थोड़ा सा ना ये बड़ा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता तो है। ये भी स्विच यहाँ पे जिसमें स्विच दिए हैं ये भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं मुझे, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऑब्वियसली है जो 390 ड्यूक में आए थे फंक्शन सारे इसमें दिए हैं आपको TFT, यहाँ पे फुली कलर्ड डिस्प्ले मिल जाता है आपको, रेडी टू रेस। यस, KTM इज़ ऑलवेज रेडी टू रेस और उस पर बैठने वाले भी हमेशा रेडी टू रेस ही रहते हैं। मैं भी हूँ बट अकॉर्डिंग रोड के हिसाब से भगाते हैं। और इसके स्विंग आर्म की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम है, बस मुझे कलर का ही डिफरेंस लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसा ही डिज़ाइन है इसका अभी भी। और यहाँ पे एग्जॉस्ट पे लिखा हुआ है KTM IS 007, दैट मीन्स सर्टिफाइड है KTM की तरफ से, ना तो ऐसा ना लगे पुलिस वालों को कि ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, आपको आवाज़ सुनाते हैं। देखिए काफ़ी स्मूथ है, जो इंस्टेंट जो ऐसा पावर है ना इसका आवाज़ आ रहा है वैसे। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी। और प्राइस की बात करेंगे तो ऑन रोड प्राइस RC 390 का है कितना हो सकता है, 1,00,000, काफ़ी कम बोल दिया, इतना तो RC 200 का भी नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा था, बढ़ रहा था मैं स्लोली, तो आपको बता देता हूँ। तो ऑन रोड प्राइस है RC 390 का 378,000 रुपीज़ ओनली। अभी जैसे जैसे फीचर्स बढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट प्राइस भी बढ़ेंगे, काफ़ी फीचर्स आपको जो KTM देती है इतने प्राइस में आपको आई डोंट थिंक कोई और ब्रांड देगा। तो अभी ऐसा करते हैं, फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं तो अभी इसको चलाते हैं, बढ़िया सा टेस्ट लेते हैं और चला के आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। बट टेस्ट जो है मैं इस कैंपस में ही ले सकता हूँ, यहाँ से घूम के वापस आना है, यहाँ से वापस चाहे जितने मर्जी राउंड ले लूँ, लेकिन अभी बाहर रोड पे नहीं मिल सकती, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। वो राइड रिव्यू अगर पॉसिबल जैसे होगा जितने जल्द से जल्द, तो मैं ज़रूर उसको व्लॉग बना के मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अब अंदर तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, राइडर सीट तो मैं समझ सकता हूँ इन्होंने बड़ी दे दी है, बट पिलियन सीट जो है मुझे लगता है ना काफ़ी छोटी बना दी है, क्योंकि पहले RC में जो तक थोड़ी बहुत लंबी तो आती थी, वो ब्रॉड तो ऑलमोस्ट शायद इतनी ही थी यहीं से, बट ये थोड़ा छोटा कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि पिलियन के लिए कंफर्ट रहेगी, क्योंकि ये बाइक इंडिया में है इसलिए इसको यहाँ पे सीट देते हैं, नहीं तो ज़रूरत है ही नहीं। ये एक सोलो राइडर के लिए एक बेस्ट बाइक है, मेरी भी RC 390 है, मैं सोलो ही राइड करता हूँ, कभी किसी को बिठाते नहीं हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने काउल लगाया हुआ पीछे, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने RC पे कहाँ से लिया है, कौन सा मैंने काउल लगाया हुआ है रियर में। तो चलिए अभी राइड कर लेते हैं। फाइनली अभी मैं 2022 की KTM RC 390 जो कि KTM रेसिंग ब्लू कलर है, पूरा मैट फिनिश में है, तो अभी इसको मैं राइड करने वाला हूँ। सब जगह मैट है, बस आपको यहाँ पर ग्लॉस मिलता है टैंक में, तो एक बार अभी इसको राइड करते हैं और देखते हैं भाई पावर जो कि कब से हम वेट कर रहे थे RC 390 का वो कैसा है। TFT स्क्रीन के साथ तो इसका टेस्ट जो है बाहर नहीं ले सकते, इसको अंदर ही ले सकते हैं, कैंपस के अंदर ही। स्मूथनेस तो काफ़ी है और जैसे कि मैंने मेरी RC पे जेल कुशन लगाई है ना, तो ये मतलब थोड़ा हार्ड है, मतलब वैसे सॉफ्ट नहीं है बट बढ़िया एकदम। और सीट जो है इसकी ब्रॉड है, खुल जा भाई, खुल गया, ओहो इंस्टेंट इंस्टेंट जो पिकअप जो है ना वो BS4 जब से आए हैं ना, तो इसमें एक जो है वो जो पिकअप जो मिलता है ना ऐसे स्टार्ट में, वो मेरी RC में नहीं है, BS3 में, तो काफ़ी अच्छी है। और राइडिंग पोस्चर भी
थोड़ा मतलब आप सीधा बैठ सकते हो, थोड़ा कंफर्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे हैंडल बार जैसे मैंने बताया कि थोड़ा एडजस्टेबल है, टू स्टेप्स आप उसको एडजस्ट ऊपर कर सकते हो चाहे तो, या तो आपको चाहिए नीचे कर सकते हो, अकॉर्डिंग मतलब आपको कैसा सही लगता है उस हिसाब से। और बाइक काफ़ी स्मूथ है, इसका एग्जॉस्ट भी आपने देखना है काफ़ी बढ़िया है। वीडियोज़ में मैंने देखा था पर मुझे लगा था RC 200 के लिए भी इन्होंने अलग दिखाया था, और जब लॉन्च हुई उसके बाद वो नॉर्मल वाला एग्जॉस्ट दिख रहा था, और ये कुछ ज़रा हटके बनाया इन्होंने एग्जॉस्ट, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मिरर्स भी काफ़ी अच्छे, थोड़े बाहर को है, जो पहले RC में आते थे ना वो बाहर को नहीं है, थोड़े आपका जो बॉडी पोस्चर है थोड़ा बीच में आ जाता है वो। तो अभी फिर से भगा के देखते हैं। वाह वाह बढ़िया है, भगाने का मज़ा तो आएगा हाईवे पे। तो ये देखिए, पहले वाइट दिख रहा था, अभी फिर ये इसका जो स्क्रीन है TFT स्क्रीन ब्लैक हो गया है। ये देखिए, जैसे अंधेरे में गए तो जैसे डार्क होता है, नाइट होता है तो वो ब्लैक हो जाता है, नहीं तो डे लाइट में वाइट, तो मतलब विजिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन। एक बार ले लेते हैं वॉक अराउंड। ये एग्जॉस्ट की बात कर रहा था मैं, ये देखिए कुछ एकदम अलग नया चीज बनाया हुआ है, बहुत सही, एक नंबर। पहले मुझे मतलब इतनी अच्छी लगती नहीं थी जब RC 200 आई थी, बट अब कुछ कुछ अच्छी लगने लगी है। ये है KTM फैक्ट्री रेसिंग ब्लू कलर है। तो जो प्राइस मैंने बताया ऑन रोड प्राइस 3,78,000, तो ये प्राइस जो है ये प्राइस पुणे का है भाई, पुणे महाराष्ट्र का। तो हो सकता है किसी और सिटी में थोड़ा ज़्यादा हो कम हो, तो डिपेंड करता है। काफ़ी स्मूथ है, ब्रेकिंग भी बहुत सही है इसकी। तो ये रही अपनी RC BS3 2016, और ये BS6 2022, डिफरेंस तो काफ़ी है। तो वो रहा सीट कवर जो मैंने लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी बहुत बिगर बाइक लगती है ओल्ड वाली RC से। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको परचेस करनी है या बुकिंग करनी है आप प्लीज़ यहाँ पे KTM वाकड़ीवाड़ी में आ सकते हो, काफ़ी बड़ा शोरूम है यहाँ पे। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।